वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, होप यू गाइस डूइंग फाइन। और जस्ट मैंने अभी अपना लास्ट व्लॉग का एडिटिंग कंप्लीट किया, मतलब अभी हुआ नहीं, अभी थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं। इस वाले व्लॉग के अभी एडिटिंग कंप्लीट किया मैंने, और आज देख लो, तारीख देख लो क्या है, 5 तारीख है मई, 11:40 हो रहा है रात के। तो ये वाला व्लॉग जाएगा 6 तारीख को सुबह, और अगर आपने ये वाला व्लॉग नहीं देखा तो पहले जाके ये वाला व्लॉग देखो, उसके बाद इस वाले व्लॉग में आना, तो कंटिन्यू रहेगा एकदम। बाकी इसको बस शेड्यूल करता हूँ, सोने जाता हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को। सुबह मेरे को ट्रैवल करना है, और बाकी तो मैं सुबह उठ के ही आपको बताऊँगा कि हम क्या करने क्या वाले हैं। अब भाई सुबह हो चुकी, सुबह क्या दोपहर हो चुकी है, 1:30 बज रहा है, और मैं बस अभी आधे घंटे में निकलने वाला हूँ यहाँ से। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जबलपुर। क्यों जा रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको अभी कार में बैठ के। मेरे को माउंट सेटअप करना है, वो भी आपको दिखाऊंगा जो मैंने कल खरीदा था। तो माउंट अभी सेटअप करते हैं, उसके बाद मैं फटाफट निकलूंगा जबलपुर के लिए। अभी फ्यूल भी लेना है गाड़ी में, हवा भी भरवानी है, तो बहुत सारा काम है। तो हमें शाम तक, एटलीस्ट हमें 6 से 7 बजे तक जबलपुर पहुँच जाना है। अंधेरा होने से पहले ही सोचूंगा कि पहुँच जाऊँ। देखो जस्ट अभी याद आया मैंने अपना एडिटर कॉपी नहीं किया, तो ये कॉपी नहीं करता तो व्लॉग भी नहीं जा पाता जल्दी। तो बस ये एडिटर कॉपी हो रहा है मेरा, उसके बाद फिर बस मैं निकलता हूँ। तो फ़ोन भी निकालना है चार्ज से। अपन ने ये चीज़ मंगाई थी, अब ये हो जाएगा यहाँ कैसे माउंट। तो इस पर मैं फिक्स कर लूँगा अपना कैमरा, तो मुझे बार बार ऐसे वो नहीं करना पड़ेगा, हाथ फ़ोन पकड़ के रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्की हो जाता है भाई बहुत। तो मैं इसको माउंट करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसका एंगल कैसा आ रहा है। तो ये माउंट अपन ने कर दिया इसको, ये दिख रहा होगा आपको, ऐसे हमने माउंट किया है इसको, ताकि ये मैं आपसे बात भी कर पाऊँ गाड़ी चलाते समय, और मेरे को फ़ोन हाथ में से पकड़ना भी नहीं पड़े, और साथ ही साथ ये मेरे डैश कैम का भी काम कर देगा। तो इसको जैसे अपन वीडियो स्टॉप करके मैं इसको कैमरा फ्लिप करता हूँ, इस सामने का भी एकदम क्लियर रिकॉर्ड करेगा। फिर इससे ये बेनिफिट रहेगा कि मैं एकदम फ्री होके ड्राइव कर पाऊँगा, साथ ही साथ आपसे बात भी कर पाऊँगा, और आपको रास्ते का व्यू भी मिल जाएगा। ऐसे ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि अच्छा मैंने आपको खैर बताया ही नहीं कि हम जबलपुर जा क्यों रहे हैं। तो बात ऐसी है कि कल है 7 तारीख, और 7 तारीख को है चाचा का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं उनको सरप्राइज़ देने। अभी उनको पता नहीं है कि हम आ रहे हैं, अभी हम यहाँ से निकलेंगे जबलपुर के लिए। अभी टाइम देख लेता हूँ क्या हुआ है, अभी 2:30 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो गया, 2 बजे निकलने का था। अभी हम निकलेंगे, गाड़ी को रिफ्यूल कराएंगे, उसके बाद सीधा हम निकलेंगे यहाँ से जबलपुर। तो मेरे हिसाब से शाम को तो हम पहुँच जाएंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे बुआ के घर, और चाचा को मिलने जाएंगे हम रात में 12 बजे। 12 बजे 7 तारीख लग जाएगी, तो हम उनके केक वगैरह लेके जाएंगे। अभी उनको किसी को कुछ खबर नहीं कि हम आ रहे हैं, सिर्फ बुआ लोग को पता है। उसके बाद डलवाना नहीं पड़ेगा, वापस भी अपन इसी टाइम पर आएंगे शायद, मेरे हिसाब से कितना लीटर आता देखते हैं। अपन इसका ट्रिप ज़ीरो कर लेते हैं यहाँ से, 22 लीटर तो आ ही चुका है, देखते हैं अभी और कितना भरेगा, शायद 30 लीटर का टैंक होता है इसका भाई। 522 की रेंज दिखा रहा है, और 37 लीटर आया था, तो अभी तो शायद रेंज बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना कम एवरेज तो है नहीं इसका। पहला टोल, ये अपन निकल गए पहले टोल से, अपन 41 किलोमीटर चले हुए हैं बस। अभी अपन को आगे जाके लेफ्ट लेना है, फिर अपन जबलपुर वाले हाईवे पे लग जाएंगे, और ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, इसलिए मैंने टाइम लैप्स चला दिया था इससे पहले।
चलिए उस रोड पे चल के बात करता हूँ मैं आपसे, अगर कुछ दिखाने का हुआ तो। भाई देखो अपनी गाड़ी चल रही 100 के ऊपर, वो जा रही है एक स्विफ्ट, वो सेकंड जनरेशन है, शायद डीजल है वो। यार अपनी गाड़ी उस गाड़ी को पकड़ तक नहीं पा रही, अपनी भी स्विफ्ट है अपना पेट्रोल है, लेकिन उस गाड़ी की पावर देखो, अपनी गाड़ी उसको पकड़ तक नहीं पा रही है। हालांकि अपनी गाड़ी बच्ची स्टेबल है, इतने कर्व वगैरह में ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है गाड़ी में। देखो बिल्कुल अपन पकड़ ही नहीं पा रहे हैं उसको, उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो दूर जाते ही चले जा रहा है वो। भाई अब जाके पास में आया ये, जब थोड़ी धीरे करनी पड़ी गाड़ी, कर्व आ गए तब जाके पास में आया, नहीं तो आ ही नहीं था गाड़ी, 120 के ऊपर भी ले गया मैं। गाय बहुत है इस रोड में, वैसे ये बाड़ी बरेली वाला रोड है, पिछले जबलपुर वाले ब्लॉक में आपने देखा होगा कि सागर वाला रोड था, ये दूसरा रोड है, ये अभी बना है, ज़्यादा टाइम हुआ, 2 से 3 साल हुए मेरे हिसाब से। सामने देखो एकदम से मौसम चेंज हो गया, अभी तक धूप निकली हुई थी, और मैं दिखाता हूँ देखो काले बादल कैसे होते हैं। ये देखो कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा समझ नहीं आ रहा, एकदम काले बादल हो गए सामने, बहुत गंदी बारिश हो रही होगी मेरे को ऐसा लग रहा है। अपन उदयपुर पहुँचने वाले हैं, उदयपुरा पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी देर में, और गाड़ी नॉर्मली चल रही है, एवरेज भी अच्छा दे रही है गाड़ी 23 का। बाकी देखो उधर कितना खतरनाक मौसम हो रखा है, बस पानी अपन को ना मिले आगे। दादा भाई पानी चालू हो गया है, 2-4 बूंदें आई हैं अभी स्क्रीन पे, अभी धीरे धीरे देखो अपन घुसते चले जा रहे हैं पानी में, मौसम देखो कितना गजब का हो गया है, वो नहीं पकड़ेगा फोकस अब। भाई देखो गजब का पानी चालू हो गया, धीरे धीरे होकर देखो तेज हो जाएगा, क्योंकि काले बादल बहुत है इस साइड, और मेरा ये वाला कैमरा तो फोकस ही छोड़ दिया वो ड्रॉप की वजह से, वाटर ड्रॉप आता तो वो उसको फोकस करने लगता है, तो अभी शायद इसी से दिखाऊं मैं आपको। तो यार अभी थोड़ा हाईवे पे यहाँ पे रुके हुए हैं, तकरीबन शायद से 130 किलोमीटर कुछ बचा होगा जबलपुर आने के लिए। तो पीछे देखो यार क्या बढ़िया वो हो रहा है, इसको फोकस करना पड़ेगा, ये देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, गाड़ी बढ़िया चल रही है एकदम, 23 का एवरेज तो निकाल ले रही है गाड़ी, बाकी और कुछ तो ऐसे दिखाने को है नहीं, गाड़ी पूरी गंदी हो चुकी है, पीछे पानी मिल गया था ना। बस यहाँ 15-1 मिनट कुछ रुक लिए, अब यहाँ से निकलते हैं। अपन अभी जबलपुर पहुंच गए, एंटर हो गए, 7:30 बज रहा है और अपन जबलपुर में एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ से अपन जाएंगे डायरेक्ट बुआ के घर, तो अब मैं डायरेक्ट आपको मिलूंगा बुआ के घर में, क्योंकि अभी जबलपुर में ऐसा कुछ दिखाने लायक नहीं है, बाकी फिर भी मैं कैमरा ऑन कर दूंगा, कुछ दिख गया तो डाल दूंगा उसमें। तो यार उसके बाद हम सीधा आए यहाँ पे बुआ के घर पे आ गए हैं, और बहुत देर का आ चुका हूँ मैं, खाना वगैरह सब खा लिया, टाइम देख लो इस पर उल्टा दिखेगा, कहाँ तू कर ले देखो ये रूम में, टाइम देख लो 11:30 हो चुका है, तो अभी यहाँ से चाचा के घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं, केक वगैरह हमने सब ले लिया है, अब सीधा यहाँ से जाएंगे चाचा के घर, और वहाँ जाके उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे क्या होता है। ये देखो ये है ब्रूनो, क्या नाम है तेरा, क्या नाम है तेरा, ब्रूनो नाम है तेरा,
ब्रूनो नाम है ब्रूनो, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। अरे 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 वहाँ मेरा बेटा ब्रूनो। और टाटा तो भाई अभी ऐसा है कि बुआ लगाई चाचा को फोन कि हम बाहर खड़े हुए हैं, केक लेके आए हैं और बुआ लोग अंदर जाएंगे, उसके बाद हम धीरे से हम गाड़ी आगे लेके आ गए हैं, हम धीरे से गाड़ी पार्क करने के बाद अंदर जाएंगे। सभी चाचा का रिएक्शन देखिए क्या होता है। अभी हमने गाड़ी घर के पास लगा ली है। तो मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, चाचा देख ना ले। तो अभी जा रहे हैं अंदर, मैसेज आ गया अंदर से कि आ जाओ, तो बस अंदर जा रहे हैं हम। प्लान पूरा देखो सक्सेसफुल था अपना। बराबर पूरा प्लान सक्सेसफुल था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सचिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो थैंक यू। तो केक कटवाने के बाद थोड़ी देर के बाद हम आ गए थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और मैं व्लॉग एंड करने ही भूल गया था। अभी व्लॉग एंड करने के लिए मैंने वापस से शर्ट पहनी, तो अब मैं जाऊंगा इसको एडिट करने के लिए। अभी 2 बज रहे हैं रात के, और इसको एडिट करके अपलोड करके अगर हो सका अपलोड तो उसको अपलोड कर दूंगा, वरना थोड़ा सा ये लेट मिलेगा ये व्लॉग। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में।